सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो लेट अस कंसीडर अ टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके दो वेव फंक्शन होंगे। इन अ टू इलेक्ट्रॉन एटम द ऑर्बिटल फंक्शंस, इन अ टू इलेक्ट्रॉन एटम द ऑर्बिटल फंक्शन इज फाई वन एंड फाई टू, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन है तो एक का ऑर्बिटल फंक्शन क्या होगा, फाई वन, दूसरे का फाई टू। और ये जो फाइव वन फाइव टू है दे मे बी सेम और डिफरेंट, क्यों, क्योंकि जैसे देखो अगर मैं बात करूं हीलियम की तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ओ वन एस टू। अब एक कॉन्फ़िगरेशन आप सोच रहे होंगे कुछ क्वांटम में अलग होती होगी, है ना, वही सिंपल कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वन एस टू तो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है 1s होंगे, 1s1 1s2, बट वही इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइट कर दूं, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है ना 1s2, अगर एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा 1s1 2s1, तो 5 1 5 2 चेंज हो जाएंगे, एक 1s1 हो जाएगा और 2s 2s2। देखो मतलब 1s में 1 या 2s में 2 या उल्टा हो सकता है कि 1s में 2 और 2s में 1, दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस तरह से होगा। वो ही बता रहा है कि अगर मान लिया दो इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में तो ऑर्बिटल फंक्शन जो है phi 1 और phi 2 मे बी सेम और डिफरेंट, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ हीलियम एटम, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम, हीलियम मैं पूरा लिखता हूँ क्योंकि नहीं तो ही एटम हो जाएगा, बच्चे कुछ हीलियम की जगह ही एटम ही पढ़ेंगे इसको, हीलियम एटम, ठीक है। तो हीलियम एटम की ग्राउंड स्टेट ले ली, तो ग्राउंड स्टेट में क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, 1s 2, तो द ऑर्बिटल्स फॉर बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, जो ऑर्बिटल्स हैं फॉर बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, कौन से 1s, दोनों के लिए 1s है दो, तो द कंबाइंड वेव फंक्शन, द कंबाइंड वेव फंक्शन बीइंग साई 1 कॉमा 2 इक्वल टू 1s1 1s2, ये हो गया 1s1 1s2। अब इसको तो और कोई तरीका नहीं लिखने का, 1s2 1s1 लिखोगे तो वो भी सेम ही रहेगा, इसलिए इट इज ओनली वन वे टू रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम, 1s1 1s2, टू इलेक्ट्रॉन्स एंड बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम ऑर्बिटल दैट इज 1s। तो ये हो गया इसका वेव फंक्शन। अब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, तो इन द एक्साइटेड स्टेट, इन द एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहां चला जाएगा, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मे हैव द ऑर्बिटल 1s एंड द अदर 2s, एक का 1s हो जाएगा दूसरे का 2s और वाइस वर्सा, है ना, पहले का 1s या दूसरे का 1s, एक का 1s होगा दूसरे का 2s, तो 1 और 2 अगर उनको दे दे हम नंबर तो 1s1 2s2 या उल्टा 1s2 2s1। तो बोलता है कि द कंप्लीट वेव फंक्शन, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज 1s1 2s1, ये होगा। तो द कंप्लीट वेव फंक्शन साई मे बी
इधर अब दो दो प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी, दो तरह का हो सकता है, या तो उसको मैं साई 1 2 लिखूं, या क्या लिखूं, साई 2 1, और साई साई 1 2 मतलब 1s में 1 और 2s में 2, या उल्टा 1s में 2 या 2s में 1। अब चाहे मैं इसको 1s1 2s2 लिखूं या 1s2 2s1 लिखूं, इलेक्ट्रॉन तो इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो इसका मतलब साई 1 2 शुड बी इक्वल टू साई, हाँ तो देखो, बोथ ऑफ विच आर इक्वली गुड अप्रोक्सीमेशन, या आर इक्वली गुड आइगन फंक्शंस, बोथ ऑफ विच आर इक्वली गुड आइगन फंक्शंस ऑफ द हैमिल्टोनियन विद द सेम आइगन वैल्यू, दोनों की आइगन वैल्यू क्या होगी, सेम। ठीक है, तो मतलब ये क्या होंगे, डबले डीजनरेट, दे आर डबले डीजनरेट, दोनों की एनर्जी सेम आएगी ना, डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, सेम एनर्जी है ना, तो डबली डीजनरेट आएंगे। बट द टू फंक्शंस कहां डिफर करते हैं, टू फंक्शंस डिफर किस तरह से, बिकॉज ऑफ एन इंटरचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटरचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू ऑर्बिटल्स, दो ऑर्बिटल्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन के इंटरचेंज की बात की वजह से दोनों डिफर कर रहे हैं, रेस्ट दोनों का जो हैमिल्टोनियन है अगर उस पर अप्लाई करोगे तो आइगन वैल्यू सेम आएगी, इसका मतलब दोनों एक ही है। हाउएवर द प्रोडक्ट फंक्शंस ऑफ द टाइप 2 एंड 3, ये इक्वेशन नंबर दिया था ना 2 एंड 3, तो ये जो प्रोडक्ट फंक्शंस हैं ऑफ द टाइप 2 एंड 3, हम अभी तक बोल रहे हैं सेम सेम, बट दे सफर अ सीरियस इनकंसिस्टेंसी, क्यों, सिंस साई 1 2 एंड साई 2 1 डिफर, तो देयर स्क्वेयर्स, क्योंकि दोनों के हमने लिखा तो ऐसा है ना, 1s1 2s2, 1s2 2s1, तो उधर जो इसके स्क्वेयर्स हैं आर ऑल्सो डिफरेंट, अगर साई 1 2 साई 2 1 डिफर कर रहे हैं तो देयर स्क्वेयर्स ऑल्सो डिफरेंट, देयर स्क्वेयर्स आर ऑल्सो डिफरेंट, बट हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों एक ही है, इलेक्ट्रॉन तो इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम, तो स्क्वेयर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम, स्क्वेयर शुड बी सेम, तो देयर स्क्वेयर्स आर ऑल्सो डिफरेंट, दैट इज दे लीड टू डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सेम टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम स्टेट, दोनों की स्टेट तो सेम है, दिस मेक्स नो फिजिकल सेंस, क्यों, एज इलेक्ट्रॉन्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को 1s में रखो या सेकंड को 1s में रखो और वाइस वर्सा, जो प्रोबेबिलिटी है मस्ट नॉट चेंज, द प्रोबेबिलिटी मस्ट नॉट ऑन मेयरली इंटरचेंजिंग द इलेक्ट्रॉन पोजिशंस, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की जो पोजिशन चेंज करने से जो प्रोबेबिलिटी है दैट शुड नॉट चेंज, इसका मतलब ये हुआ कि
कि जो साई वन टू जो है उसका स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू साई टू वन स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि साई वन टू शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस साई टू वन। तो ये देता है ना, ये इससे ये मिलेगा हमें कि साई वन टू शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस साई टू वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साई वन टू है वो साई टू वन के बराबर भी हो सकता है। अगर साई वन टू और साई टू वन बराबर है, इसका मतलब कैसा वेव फंक्शन हुआ ये, बोलो। ओहो, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक की बात हो रही है। तो ये हुआ सिमेट्रिक। अगर साई वन टू अगर इंटरचेंज करने से अगर साइन चेंज नहीं होते हैं तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन है ना। साइन अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम इंटरचेंज करें और वेव फंक्शन का साइन जो है वो चेंज ना हो, मतलब सेम रहे, तो इसका मतलब वो है सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और अगर ऐसा हो जाए कि साई वन टू जो है दैट इज इक्वल टू माइनस साई टू वन, तो इसका मतलब कैसा हुआ ये, हाँ अगर इंटरचेंज पोजीशन करने से वेव फंक्शन ही चेंज हो जाए तो इसका मतलब वो एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो या तो सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक। बट ये जो हमने लिखा है ये सेकंड और थर्ड, इससे हमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी हो सकता है, मतलब इसका मतलब जो वेव फंक्शन रिप्रेजेंटेड इन टू एंड थ्री दे मे बी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। बट हमें ऐसा करना है कि या तो सिमेट्रिक या फिर एंटी, मतलब क्लियर कट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी कैन टेक इट्स लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या लेते हैं इसका, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो डेफिनेशन क्लियर होगी सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की, ऐसे लिखना है आपको अगर मान ली, क्योंकि आपको डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। इतना लिख दोगे तो शायद वो समझे ही ना, है ना। तो आप लिख दो कि बाय डेफिनेशन इफ द फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन इंटरचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हमने इंटरचेंज की बट फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ठीक है, और इफ इट चेंजेस साइन इट इज एंटी सिमेट्रिक। द रिक्वायरमेंट, ये जो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज नॉट मेट, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक, पता नहीं चल रहा उससे। तो बोलता है रिक्वायरमेंट इज नॉट मेट बाय द एक्सप्रेशन टू एंड थ्री, सेकंड और थर्ड में ऐसा क्लियर कट नहीं पता चल रहा है। तो इसका मतलब क्या कि वी कांट से कि इज इट मैट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, इज इट सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। बट इफ वी टेक देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, सम एंड डिफरेंस, या तो उसका सम कर दो या डिफरेंस रिस्पेक्टिवली। तो पहले सम करते हैं, तो साई प्लस, तो हम नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ले लेते हैं n, ठीक है, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ना, तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए हमने n ले लिया। और क्या हो जाएगा, 1s1 2s2 प्लस 1s2 2s1, एक हो गया, और एक बार प्लस सम कर दिया, दूसरी बार माइनस। तो n 1s1 2s 2s2 माइनस
वन एस टू, टू एस वन, तो चाहे तो प्लस होगा या माइनस, ठीक है। और ये जो है देखो, अगर मैं यहां पे इनकी पोजीशन इंटरचेंज करूं इसमें, तो साइन चेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि प्लस है ना, तो इसको 1s1 2s1 कर दो और इसको 1s2 2s1 कर दो, तो सेम ही रहेगा ना। तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक। अब क्लियर कट दिख रहा है कि जो सिक्स्थ वन है दैट इज सिमेट्रिक, बट इसको चेंज करूं तो माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, इसका मतलब इट चेंजेस साइन। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सेवंथ वन एंटीसिमेट्रिक। तो और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, दे डू नॉट अल्टर द आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू रिमेन द सेम। तो लिखो, सच कॉम्बिनेशंस डू नॉट अल्टर द आइगन वैल्यू। तो और n क्या है, n इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और ये इक्वेशन सिक्स रिप्रेजेंट द सिमेट्रिक वेव फंक्शन, और सेवन जो है वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है, इट कैन बी इजिली इवेल्युएटेड, कैसे, बाय अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो जस्ट नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई कर दो, क्या होती है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, इंटीग्रेशन साई स्क्वायर इक्वल टू वन, वैसे तो ऐसे लिखते हैं ना साई स्टार साई डी टाउ, बट क्योंकि आयोटा तो है नहीं यहाँ, तो सिंपल यू कैन राइट साई स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू वन। तो अब दो वे फंक्शंस हैं, ठीक है ना, कौन कौन से, वन एस वन, इसलिए दो बार लिखा मैंने, ठीक है। तो एन वन एस वन टू एस टू प्लस माइनस वन एस टू टू एस वन और होल स्क्वायर डी टाउ वन डी टाउ टू इक्वल टू वन, क्योंकि एक एक वन है एक टू, तो एन स्क्वायर तो बाहर ले लो, क्या आ गया वन एस वन टू एस टू प्लस माइनस वन एस टू टू एस वन होल स्क्वायर डीटा वन डीटा टू इक्वल टू वन। अब इनको स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर हो जाएगा पहले, इसका भी स्क्वायर, फिर 2s 2ab a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, n स्क्वायर तो कॉमन ही रखो, ब्रैकेट कर दो, तो 1s1 और यहां से भी जब ये स्क्वायर करोगे तो 1s स्क्वायर 2s का भी स्क्वायर। तो क्योंकि इंटीग्रेशन करनी है तो इकट्ठे कर दो ना, ये 1s1 का स्क्वायर डी टाउ 1 वन टू एस टू का स्क्वायर डी टाउ 2 फिर प्लस दूसरा हो जाएगा 1s2 का स्क्वायर डी टाउ 2 2s1 का स्क्वायर डी टाउ 1। यहां तक क्लियर हुआ, कैसे हुआ, इसको पूरे को स्क्वायर किया ना, तो 1s 1 का स्क्वायर और इसके साथ क्या आएगा डी टाउ 1 और 1s 2s 2 का स्क्वायर के साथ क्या आएगा डी टाउ 2, तो ये आएंगे दोनों, इसका 1s 2 का स्क्वायर डी टाउ 2 ये 2 वाले का आएगा और 2s 1 का स्क्वायर डी टाउ 1 प्लस माइनस 2 1s 1 1s2 2s2 2s1 dtau1 dtau2। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1 वाले एक ले लो 1s1 2s1 dtau1 into
वन एस टू और टू एस टू, यहाँ टू एस टू और वन एस टू है ना, टू एस टू वन एस टू डी टाउ टू। अब ये जो 1s और 2s हैं अपने आप में क्या होते हैं, दे आर ऑर्थोनॉर्मल, जो भी वेव फंक्शंस होते हैं 1s एंड 2s आर ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शंस। तो ऑर्थो नॉर्मल का पता मतलब क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन तो ये ऊपर लिखी है, और अगर जीरो तो इसका मतलब ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हो गई है, और साई वन स्क्वायर और साई टू स्क्वायर अगर वन हो सॉरी तो नॉर्मलाइजेशन, तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगी, ये तो ऊपर भी लिखी है। तो ये इसका मतलब ये कितना हो जाएगा वन, ये भी one. ये वन, ये भी वन, ये कितना हो जाएगा जीरो, और ये भी मतलब ये पूरी प्लस माइनस वाली पहले तो सारी जीरो हो गई, तो चाहे प्लस हो या माइनस हो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस एंड दैट होल इज इक्वल टू वन। तो ये वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर वन प्लस वन प्लस जीरो इक्वल टू वन। तो इसका मतलब एन स्क्वायर इंटू टू इक्वल टू वन, दैट इंप्लाइज एन स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू, एन क्या हो गया वन बाई अंडर रूट टू, ठीक है। तो इसका मतलब साई प्लस इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू, क्या हो गया वन एस वन टू एस टू प्लस वन एस टू टू एस वन। तो ये हो गया पहला जो क्या है सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो अगर सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होता है कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखो, है ना, तो आप इतना सा करोगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर कितनी होगी सेवन और एट और नाइन ना, तो ये एट इक्वेशन हो गई, सिमेट्रिक वेव फंक्शन है ये, और दूसरा जो है वन बाई अंडर रूट टू वन एस वन टू एस टू माइनस वन एस टू टू एस वन एंड दैट इज एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन था इनका दैट टेल्स अस क्लियरली दैट इट इज सिमेट्रिक वेव फंक्शन और ये एंटी सिमेट्रिक। अब जो पहला था हाइड्रोजन के लिए सॉरी हीलियम ग्राउंड स्टेट में लिखा हमने 1s1 और क्या था 1s2, दोनों 1s ही थे, तो वो तो हमेशा सिमेट्रिक ही होगा, उसमें तो क्लियर कट है कि वो सिमेट्रिक है, ये था ना ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम सॉरी हीलियम एटम, ये वाला, ये तो इट इज ऑलवेज सिमेट्रिक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई शक नहीं होगा आपको कि ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ठीक है, इट इज ऑलवेज 1s1 1s2, क्योंकि अगर 1s2 2s1 लिखते हो दैट डजंट मीन कि सम एनीथिंग डिफरेंट, ठीक है। बट जब आप हीलियम एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे थे तब 1s1 था और 2s2 या फिर 1s2 2s1, तो दिस सीम्स टू बी सेम और डिफरेंट, बट दे आर नॉट गिविंग अस इंफॉर्मेशन दैट इज इट सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक, दैट मीन्स वी कैनॉट रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या होगी गलत, क्योंकि हमें क्लियर कट आइडिया मिलना चाहिए कि जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक है या, तो उसको रिक्वायरमेंट को मेट करने के लिए, रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करने के लिए हमने क्या किया इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिए और फिर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो है वो निकाला, और एंड में हमें रिजल्ट मिले कि अगर हमें सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन लिखने हो इसके एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम में तो ये आएंगे, ये पहले वाला सिमेट्रिक दूसरे बार एंटी सिमेट्रिक। बट यहां तक तो ठीक है कि पहले वाला सिमेट्रिक है दूसरा एंटी सिमेट्रिक है, बट किसमें कौन सा वेव फंक्शन है, तो फिर
एक्साइटेड स्टेट हीलियम का एक ही होगा ना, या तो फर्स्ट या सेकंड, या सिमेट्रिक या, बट इनमें से कौन सा होगा इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ठीक है ना। इसका हमें पता नहीं है कि सिमेट्रिक होगा कि एंटी सिमेट्रिक, तो फिर हमें जरूरत पड़ती है किसकी, इलेक्ट्रॉन स्पिन की। जो स्पिन क्वांटम नंबर आया ना वो इसको देख के आया कि ऑर्बिटल जो है विल नॉट डिसाइड कि वो सिमेट्रिक होगा या एंटी सिमेट्रिक। जो हम लिखते हैं ना कि मतलब वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है एक्चुअली। अगर हम किसी का वेव फंक्शन लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल, मतलब हमें एन एल और एम पता है, तो हम कहां तक पहुंच सकते हैं, ऑर्बिटल तक। बट ऑर्बिटल के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों सिमेट्रिक होंगे या एंटी सिमेट्रिक के लिए अरेंज होंगे, वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता है। सो वी नीड अनदर क्वांटम नंबर और दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो टर्न आती है किसकी, इलेक्ट्रॉन स्पिन की। तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, यहां तक आप लिख सकते हो अगर ऐसा पूछा हो सिर्फ कि राइट द सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम या ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम। तो आप ग्राउंड स्टेट में लिखोगे कि सिर्फ सिमेट्रिक वेव फंक्शन होगा, और कौन से वेव फंक्शन है ये, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन को और क्या बोलते हैं, स्पेशल। देखो एक होता है ये होता है स्पेशल, एस पी ई सी आई ए एल, है ना। ये क्या होता है, ये स्पेशल होता है, स्पेशल, ठीक है। और ये क्या होता है, स्पेशल, पे और पे में डिफरेंस है, ठीक है। एक स्पेशल और दूसरा स्पेशल, मैं वैसे स्पेशल बोलता हूँ इसके लिए ताकि क्लियर हो जाए चीजें, बट एनी हाउ जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज स्पेशल। तो ये एक्चुअल में कौन से वेव फंक्शन है, स्पेशल वेव फंक्शन, मतलब के ऑर्बिटल वेव फंक्शन, दे आर ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन स्पिन। अब इसके डिसाइड करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन स्पिन चाहिए, ठीक है। तो क्यों इलेक्ट्रॉन स्पिन की जरूरत पड़े, कि विच ऑफ द टू वेव फंक्शंस, चलिए बात ये नंबर तो सही दिए ना हमने सारे, एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 ना। तो विच ऑफ द वेव फंक्शंस 8 and 9 इज टू बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम व्हेन बोथ लीड टू द सेम एनर्जी। दोनों की एनर्जी तो सेम है, मैंने बोला ना आइगन वैल्यू सेम रहेगी, जो है वो ही रहेगी, तो दोनों के दोनों एनर्जी सेम देंगे, तो कोई भी इक्वली प्रोबेबल हो गए ना दोनों। तो हीलियम है, ये हीलियम है ना, हीलियम पूरा लिखे तो ही ठीक है क्योंकि एच ही बीच में। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द टू वेव फंक्शन जो 8 और 9 लिखे हमने, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक, इज टू बी यूज टू डिस्क्राइब द एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम विच बोथ लीड टू द सेम वेव फंक्शन when both lead to the same energy। तो बोलता है कि there is no, apparently there is no reason to select one, apparently there is no reason to decide in favor of one against the other। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि मुझे symmetric अच्छा लगता है ना, या एंटी सिमेट्रिक अच्छा लगता है, मैं एंटी सिमेट्रिक लूंगा, दूसरा बोलेगा सिमेट्रिक लूंगा, ठीक है। तो हमें मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा ना कि दिस इज सुटेबल, दिस इज फेवरेबल, है ना। तो क्यों वो फेवरेबल है, तो अपेरेंटली वी कैन नॉट डिसाइड कि इनमें से कौन सा फेवरेबल है, ठीक है। तो इट इज नेसेसरी दैट एट दिस स्टेज टू इंट्रोड्यूस वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स which has no classical analog या classical counterpart, मतलब classically वो चीज है ही नहीं, है ना।
हम सिर्फ उसको क्वांटम मैकेनिकली लिख सकते हैं। तो ये किसने जो नेक्स्ट पैरामीटर है कौन सा, स्पिन, मतलब व्हाइल एनालाइजिंग एल्कली मेटल्स, एनालाइजिंग द स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल्स, ये पढ़े होंगे आपने कि इन्होंने डिस्कवर किया था गॉड्समिडट एंड ओहलेनबेक, ये दो जो हैं इन 1926 फाउंड इट नेसेसरी टू पोस्टुलेट दैट एन इलेक्ट्रॉन हैज इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। अब टू एक्सप्लेन दिस दे अज्यूम दैट, देखो इसने लिखा है पोस्टुलेट, है ना, बताया था पोस्टुलेट और लॉ में क्या डिफरेंस है, पोस्टुलेट इज जस्ट एक एजम्पशन है, उसने अज्यूम किया कि ऐसा होता होगा, है ना। तो क्या अज्यूम किया उन्होंने, दे अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन, और बाद में उसको प्रूव किया दैट इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस, और क्योंकि वो स्पिन कर रहा था तो अकॉर्डिंगली दे कॉल इट एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये नया क्वांटम नंबर और नया एंगुलर मोमेंटम आया, पहले क्या था ऑर्बिटल, है ना, फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम और सिंपली स्पिन। तो ये पैरामीटर जो है गॉड्समिडट एंड ओहलेनबेक ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है कुड बी गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस इनटू एस प्लस वन एच अपॉन टू पाई, ये वैल्यू जो है क्या थे, तो कंटिन्यू कर रहे हैं ना, 6-7 लिए थे पहले, 8-9 Take it as 10, ठीक है। तो S क्या है, S is spin quantum number और उसकी value जो है that is half, magnitude जो है that is half, ठीक है। और जो spin angular quantum है, ये quantum number जो है spin angular momentum है, that is also vector quantity, spin angular momentum is also a vector quantity, तो vector quantity है तो या तो वो plus half होगी या minus half, तो z component of angular momentum भी लेते हैं हम, जैसे उसमें भी क्या था ना z component of orbital angular momentum, वैसे इसका तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो plus half h cut या फिर minus half h cut, ठीक है, मतलब m h cut, clear? तो कौन सी डायरेक्शन ले रहे हैं हम, अगर डायरेक्शन कौन सी ले, z, s z ऑपरेटर हो, अब ये जो प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्पिन की वैल्यू है प्लस हाफ को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, अल्फा से, मतलब अप स्पिन को प्लस हाफ लिखते हैं या सिंपली अल्फा या ऐसे, ठीक है, और दूसरा माइनस हाफ उसको बीटा या डाउन स्पिन। तो अब अगर मैं लिखूंगा तो एक हाफ लिखूंगा या तो बीट अल्फा लिखूंगा या बीटा, प्लस हाफ माइनस हाफ की जगह लिखेंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अगर ये कौन सा ऑपरेटर है, हाँ लैप्लेशियन ऑपरेटर, तो अगर लैप्लेशियन ऑपरेटर लगाएं साई एक्स y z वेव फंक्शन ऑफ अल्फा s, तो दैट कम्स आउट टू बी अल्फा s लैम्डा स्क्वायर साई एक्स वाई जेड, और अल्फा और बीटा जो हैं उनमें भी ये चलेगा, वैसे
सेम ऐसे ही अल्फा स्क्वायर इक्वल टू वन, वही ऑर्थो नॉर्मली होंगे ये अल्फा और बीटा भी, ठीक है, या बीटा स्क्वायर डी एस दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वन, या और अल्फा बीटा लेंगे तो जीरो, मतलब अल्फा एंड बीटा आर ऑल्सो ऑर्थो नॉर्मल, अल्फा एंड बीटा आर ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शन, ठीक है। अब वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे आते हैं। अब हम अगर क्वेश्चन आता है ऐसे, अभी वो आंसर नहीं आया है कौन सा, उनमें से कौन सा होगा मैट्रिक या एंटी सिमेट्रिक, तो उसके लिए ये पहले इंट्रोड्यूस करना जरूरी था अल्फा और बीटा। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो पहले तो आप वो लिख दोगे कि दो ग्राउंड स्टेट ऑफ, फर्स्ट राइट द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम, तो इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s 2 एंड वेव फंक्शन इज 1s 1 1s 2। अब ये तो हो गए, कौन से वेव फंक्शन हो गया, ये स्पेशल वेव फंक्शन राइट, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ओके। और दूसरा कौन सा आएगा, स्पिन, तो व्हेन स्पिन ऑर्बिटल्स, अब स्पिन ऑर्बिटल्स अगर लिखूं मैं इसके इसके इन दो इलेक्ट्रॉन पे, तो स्पिन ऑर्बिटल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अल्फा वन अल्फा टू या बीटा वन बीटा टू या अल्फा वन बीटा टू या अल्फा टू बीटा वन, तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू अल्फा वन बीटा टू या अल्फा टू बीटा वन। तो कितने स्पिन फंक्शंस हो गए फॉर द टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम, चार स्पिन कॉम्बिनेशन जो हैं। अब इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन सिमेट्रिक है और कौन से एंटी सिमेट्रिक है, ये मैं वन ले लेता हूं, ये टू ये थ्री ये फोर और ये फाइव, बोलो। तो टू एंड थ्री आर सिमेट्रिक राइट, तो व्हाट अबाउट अनदर, वी कैंट डिसाइड दे आर नीदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक, फोर एंड फाइव आर नीदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक, जस्ट लाइक वो जो एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम में लिखे थे हमने, ठीक है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, अगेन वी टेक फॉर फोर एंड फाइव वी टेक लीनियर कॉम्बिनेशन, और नॉर्मलाइजेशन फैक्टर वैसा ही आएगा फॉर फोर एंड फाइव टू डिसाइड सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी टू डिसाइड एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक वेव फंक्शन वी शुड यूज देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इनका अब लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो साई ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट टू, वही रहेगा जो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है वो तो वन अपॉन अंडर टू रहेगा, क्या हो जाएगा अल्फा वन बीटा टू प्लस
अल्फा टू बीटा वन, ठीक है। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ओके। और दूसरा हो जाएगा वन अपॉन अंडर टू अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन, तो ये होगी सेवन। तो इनको अगर देखोगे आप तो क्लियर कट आइडिया कि फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक एंड सेकंड इज एंटी सिमेट्रिक। सो नाउ वी हैव फोर फंक्शंस जिनमें से दो तीन सिमेट्रिक है और एक एंटी सिमेट्रिक। तो वी हैव फोर combinations of pin functions, कौन कौन से, पहला alpha वन alpha टू, दूसरा beta वन beta टू, और थर्ड आ गया वन upon under root टू alpha वन बीटा टू प्लस अल्फा टू बीटा वन। ये तीन जो हैं दे आर सिमेट्रिक, और लास्ट वन वन अपॉन अंडर रूट टू अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन। यह अब आता है रोल किसका, अब इनमें से कौन सा हम कंबाइन करें, क्योंकि जो टोटल वेव फंक्शन होता है साई टोटल दैट इज इक्वल टू साई स्पेशल इनटू साई स्पिन। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, कि फॉर अ सिस्टम ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रॉन जो कंप्लीट वेव फंक्शन है इंक्लूडिंग स्पिन मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक। लिख लो, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर अ सिस्टम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन के लिखने का तो मतलब ही नहीं है, और टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स द कंप्लीट वेव फंक्शन, द कंप्लीट वेव फंक्शन इंक्लूडिंग स्पिन ये है कंप्लीट वेव फंक्शन, ठीक है, मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द इंटरचेंज ऑफ एनी टू इलेक्ट्रॉन पोजिशन, विद रिस्पेक्ट टू इंटरचेंज ऑफ एनी टू इलेक्ट्रॉन पोजिशन। तो ये है इस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, ये डेफिनेशन है कि जब टोटल वेव फंक्शन हम लिखेंगे स्पिन को इंक्लूड करेंगे तो जो टोटल वेव फंक्शन आना चाहिए, कंप्लीट वेव फंक्शन आना चाहिए, दैट शुड बी एंटीसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू इंटरचेंज ऑफ एनी टू इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब कि ये जो प्रोडक्ट होता है अगर सिमेट्रिक को सिमेट्रिक से मल्टीप्लाई करते हैं या एंटी सिमेट्रिक को एंटी सिमेट्रिक से मल्टीप्लाई करते हैं, सिमेट्रिक को सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक को एंटी सिमेट्रिक, तो जो वेव फंक्शन आता है टोटल दैट इज सिमेट्रिक। याद रखना सिमेट्रिक स्पेशल जो है स्पेशल वो सिमेट्रिक हो स्पिन भी सिमेट्रिक हो तो सिमेट्रिक रहेगा ही, बट अगर दोनों एंटी सिमेट्रिक हो तब भी उनका मल्टीप्लीकेशन करेगा सिमेट्रिक, क्लियर। बट अगर एक है सिमेट्रिक और दूसरा है एंटीसिमेट्रिक तो जो है उनका जो सम आएगा मतलब मल्टीप्लीकेशन करके आएगा टोटल वेव फंक्शन दैट इज एंटी
सिमेट्री, दैट यू शुड रियलाइज। ठीक है, तो वी कैन सी ओनली एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वी शुड टेक इन टू अकाउंट ओनली दोज कॉम्बिनेशन विच गिव अस एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो अब अगर ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम की बात की जाए, तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम में तो जो स्पेशल वेव फंक्शन है दैट इज ऑलवेज सिमेट्रिक, क्या था ना 1s1 1s2। बट जो स्पिन के हमने देखे तो देर आर फोर कॉम्बिनेशंस, उनमें से ये तीन हैं दे आर सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक और ये एंटी सिमेट्रिक। इसका मतलब एक तो सिमेट्रिक ही है तो सेकंड शुड बी एंटी सिमेट्रिक, तो यही कंबाइन हो सकता है ना। तो आउट ऑफ दिस फोर ओनली वन जो है ये वाला मतलब सेवंथ नंबर वाला इक्वेशन, ठीक है, वो ही उससे कंबाइन हो सकता है। ठीक है, सो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मींस स्पेशल है ना, ऑर्बिटल एंड स्पिन कॉम्बिनेशन, ऑर्बिटल एंड स्पिन कॉम्बिनेशन विच करेक्टली रिप्रेजेंट, विच करेक्टली रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम इज बोलो 1s1 1s2, ये किसका हो गया ऑर्बिटल, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 अल्फा 1 बीटा 2 माइनस अल्फा 2 बीटा 1। तो ये हो गया अपना करेक्ट वेव फंक्शन। ठीक है, ये आएगा एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि ये सिमेट्रिक है और ये एंटी सिमेट्रिक, ये रिप्रेजेंटेशन करेक्ट होगी। वैसे टोटल कॉम्बिनेशन चार बनेंगे, पर चार में से जो करेक्टली रिप्रेजेंट करेगी अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दैट शुड बी दिस वन। और इसको क्या नंबर दूं, 7-8 दे दो ना, 8 नंबर। ठीक है, और दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिटरमिनेंट, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डिटरमिनेंट। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साई इक्वल टू 1/√2 और अंदर आएगा 1s1 अल्फा 1 1s1 बीटा 1 1s2 अल्फा 2 और 1s2 बीटा 2। तो इस तरह से इसको एज अ डिटर्मिनेंट भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, देखो मल्टीप्लाई करो क्या जाएगा 1s1 1s2 अल्फा 1 अल्फा अल्फा 1 बीटा 2, ये आ गया अल्फा 1 बीटा 2, माइनस हो जाएगा इधर तो क्या आएगा 1s1 1s2 और अल्फा 2 बीटा 1। तो इसको हम एज अ डिटर्मिनेंट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो टेक इट एज 9। अब एक्साइटेड स्टेट का करते हैं, वो आप खुद बताना, आपको पता चल जाएगा। आई होप कि जो बात पहुंचानी थी पहुंच गई अब तक। बीच में थोड़ा सा ऐसा लगा कि अगर पूरा नहीं होता ना तो आपको लगता कि हुआ क्या है ना, ये एंड में जाके रिजल्ट आ गए तो आपको लगा होगा वो कि ऐसा 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 हुआ है ना। पेशेंस, ये मतलब क्वांटम, मतलब इट इज वन टाइप ऑफ पेशेंस, क्योंकि क्वांटम में ऐसे आपके सीधा आ जाए आपको सब कुछ, वो ऐसा नहीं होगा। और बुक पढ़ के तो पता नहीं कैसे होता है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया, ये तो जिंदगी में समझ ना आए है ना, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाते हैं। ओके, सेम बोलता है, इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1 2s1 और उसके बेस पे हमने स्पेशल वेव फंक्शन लिखे थे। पॉसिबल स्पेशल और ऑर्बिटल वेव फंक्शंस आर पॉसिबल, बोलो क्या क्या थे, 1/√2
वन एस वन, वन टू एस टू प्लस वन एस टू, टू एस वन, एक ये लिखा था और दूसरा जो सिमेट्रिक था ना, और दूसरा वन अपॉन अंडर रूट टू, वन एस वन टू एस टू माइनस वन एस टू टू एस वन, ये दो लिखे थे। नाउ लेट अस राइट फॉर स्पिन। तो स्पिन के लिए एक्साइटेड स्टेट ऑफ स्पिन, तो इलेक्ट्रॉन तो दो ही है तो वैसा ही आएगा ना इसका भी। तो टोटल स्पिन वेव फंक्शंस फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से थे, अल्फा वन अल्फा टू, बीटा वन बीटा टू, और वन अपॉन अंडररूट टू अल्फा वन बीटा टू प्लस अल्फा टू बीटा वन। इसमें कोई मतलब नहीं है किस ऑर्बिटल में कहाँ है, पर दो इलेक्ट्रॉन है तो ये चार कॉम्बिनेशन आएंगे, है ना, क्योंकि इसकी दो ही ओरिएंटेशन है, या तो अल्फा या बीटा, तब दोनों अल्फा होंगे मतलब दोनों अप या दोनों डाउन, या एक अप दूसरा डाउन। बट अगर हम एक ही लिखते थे अप डाउन और डाउन अप, तो हमें भी नहीं पता चल रहा था कि सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक। इसके लिए हमने क्या लिया, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन लिया क्यों, व्हाट इज द नीड ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, टू मेक इट सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। तो अल्फा टू बीटा वन, तो ये चार कॉम्बिनेशन आए। अब ये सिमेट्रिक, ये वाला सिमेट्रिक, ये वाला एंटी सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक, और ये सॉरी ये अल्फा टू बीट कहाँ सा सर, बीटा टू ये वाला ना, ओके अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन, ओके। तो अब कंबाइन करने हैं, ठीक है, तो बोलो विद टू इलेक्ट्रॉन्स इन द हीलियम एटम, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे बनेंगे, आठ, इसके साथ चार, मतलब सिमेट्रिक के साथ ये चार और एंटी सिमेट्रिक के साथ चार, बट हमें कौन से चाहिए, एंटी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के साथ क्या आएंगे, एंटी सिमेट्रिक, और एंटी सिमेट्रिक के साथ सिमेट्रिक। तो लिखो कितने बनेंगे, चार, है ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तीन और ये एक एंटी सिमेट्रिक, तो इसके साथ तीन और इस सिमेट्रिक के साथ ये एंटी सिमेट्रिक, तो टोटल चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो लिखो, तो ये कहाँ आ गए, अच्छा मैंने बीच से यहां है ना, ओके। तो लिखो इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम, हीलियम एटम, ईच ऑफ द स्पेशल फंक्शंस और वेव फंक्शंस, ईच ऑफ द स्पेशल वेव फंक्शन टेक इट एज नंबर 10 एंड 11, 10, 10 एंड 11 मल्टीप्लाई बाई द फोर स्पिन फंक्शंस। तो स्पिन फंक्शंस टेक इट एज 12, 13, 14 एंड 15, 12, 13, 14 एंड 15, तो yields as many as 8 possible combinations, however of these only 4 are anti symmetrical
एंटीसिमेट्रिक कॉम्बिनेशंस। पहला, जब आप कौन सा लो, क्या था, वन अपॉन अंडर रूट टू, वन एस टू प्लस वन एस टू और सॉरी वन एस टू टू एस टू और वन एस टू टू एस वन, ये सिमेट्रिक, तो इसके साथ कौन सा आएगा, एंटीसिमेट्रिक, वो भी वन अपॉन अंडर टू, वन अपॉन अंडर रूट टू अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन। तो वन अपॉन अंडर टू, वन अपॉन अंडर टू को आगे ले लो, क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू। तो ये पहला आ गया एंटीसिमेट्रिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रॉन एक 1s1 में 1s2 में ये सिमेट्रिक हो और जो स्पिन है वो एंटीसिमेट्रिक, तो भी एंटीसिमेट्रिक बनेगा पूरा। या फिर क्या करोगे, 1 अपॉन अंडर रूट टू 1s1 2s2 माइनस 1s2 2s1, ये एंटीसिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक अल्फा वन अल्फा टू, या फिर वन अपॉन अंडर रूट टू वन एस वन टू एस टू माइनस वन एस टू टू एस वन इंटू बीटा वन बीटा टू, और लास्ट जो है वन अपॉन टू कर देता हूं, क्योंकि अब वो आएगा ना ये एंटीसिमेट्रिक और वो सिमेट्रिक वाला लीनियर कॉम्बिनेशन, टू एस टू माइनस वन एस टू टू एस वन इंटू अल्फा वन बीटा टू प्लस अल्फा टू बीटा वन। तो ये फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे। ठीक है, तो एन ऑर्बिटल जो है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय थ्री क्वांटम नंबर्स एन एल एंड एम, और जो इलेक्ट्रॉन है कैन हैव एनी ऑफ द टू वैल्यूज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो इसलिए हम बोलते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम में ऑल द क्वांटम नंबर्स आर नॉट सेम, एटलीस्ट वन शुड बी डिफरेंट। अगर एन एल एम सेम है तो जो फोर्थ वन है स्पिन जो है वो तो डिफरेंट होगा ही, वो एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा, बाकी सारे सेम तो एक डिफरेंट होना ही चाहिए। दिस क्वालिटेटिव कंक्लूजन फॉलोज फ्रॉम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये जो हमने पूरा कंक्लूजन किया इट इज फ्रॉम Pauli exclusion principle, and this principle is also stated as no two electrons in an atom can have all the four quantum numbers identical. So, अगर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम में तो उनके सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते।